पत्रकार बंधु आप हमारी मदद कीजिए भैया, आप आराम से, शाबाश। हाँ और हाँ ले लीजिए ले लीजिए। अरे उनको उनको वीडियो लेनी है, ले लीजिए भैया, शाबाश, वाह। आपका काम हो जाने के बाद अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा, तो आप थोड़ा नीचे उतर जाइए कृपा करके, ताकि पीछे किसी को तकलीफ न हो। बहुत अच्छे दोस्तों मेरे, थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, कुछ पत्रकार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मदद करते हैं जी। साथियों, हमें हर साल लगातार हर हाल में अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाते ही रहना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा, और ये काम गौर परिवारवादी, गौर स्वार्थी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों का इतिहास रक्षा सौदों में कमीशन खाने का रहा हो, वो परिवारवादी कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। भाइयों और बहनों, देश तभी ताकतवर होगा जब देश के राज्य ताकतवर होंगे, जब हमारा उत्तर प्रदेश ताकतवर होगा। लेकिन गौर परिवारवादियों का तो एक ही फॉर्मूला है, पैसा परिवार की तिजोरी में, कानून जेब में, और जनता उनके पैरों पर। ये उत्तर प्रदेश को, देश को ताकतवर नहीं होने देंगे। ये तो समाज के कमजोर वर्गों पर गुंडई करने वालों, माफियाओं को ताकत देते हैं। कबीर जी इनके लिए ही बहुत पहले कह गए थे, दुर्बल को न सताइए, जाति की मोटी हाय। गरीब की इसी हाय ने 2014 में इनको झटक दिया, 2017 में पटक दिया, 2019 में साफ कर दिया, और अब 2022 में तो अब इनको अपनी ही सीट बचाने के लाले पड़ गए हैं। लाले साथियों,
आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ भाजपा सरकार का नहीं है, बल्कि एक एक देशवासी की जरूरत है। देश आत्मनिर्भर होगा तो नौजवानों, महिलाओं, किसानों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों सभी को लाभ होगा। बहनों और भाइयों, पहले की सरकारों की जो नीतियां थी उन्होंने विदेश से सामान मंगाने पर ही जोर दिया। इन लोगों को भारत का दूसरे देशों पर निर्भर बने रहना अच्छा लगता है। उन्हें एक ही बात नजर आती है, कौन सी पता है? उनको एक ही बात नजर आती है, कमीशन, कटकी। इसलिए ये लोग कभी आत्मनिर्भर भारत की बात भी नहीं करते हैं। राष्ट्रभक्ति और परिवार भक्ति में यही फर्क होता है। भाइयों और बहनों, इन घोर परिवारवादियों ने दशकों तक हमारी सेना को भी पूरी तरह विदेशों पर निर्भर रखा। भारत के रक्षा उद्योग को बर्बाद कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।